दोस्तों एक बार आप सभी को फिर से जय गंगे माता। आज 6 मई का दिन है और एक बार आप लोगों के साथ फिर से मैं माँ गंगा की वीडियो लेके आ चुका हूँ और आज के गंगा दर्शन कराने के लिए ला चुका हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और सीधे ही मैं हाथी वाले पुल पे खड़ा हूँ और इन भाइयों को देख सकते हो पूरी तरीके से स्नान करते हुए। ये देखो गंगा जी में तैरते हुए निकल गए पूरी तरीके से, आप लोग देख रहे होंगे। अब आप लोगों को काफ़ी लोग इसी तरह से देखते हुए मिलेंगे जो इसी तरह से गंगा जी को एक छोर से दूसरी छोर में पार करते हुए दिखेंगे, क्योंकि गर्मी के दिन ये लोग आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। और ये रहा हाथी वाला पुल, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। इस ब्रिज को पार करके आज मैं निकलूँगा सीधे शिव वाले घाटों की ओर और वहाँ के दर्शन कराऊँगा, वहाँ के दिव्य नज़ारे दिखाऊँगा। ये देखिएगा फिर भीड़ देख सकते हो पूरी तरीके से, भीड़ देखिएगा, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिए और काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं स्नान करने के लिए, आप लोग देख सकते हो। सीधे यहीं से चलेंगे हम शिव वाले घाट को होते हुए, यानी कि इस वाले घाट को चलते हुए सीधे जो बाकी के सामने के घाट है वहाँ के दर्शन कराते हुए निकलेंगे आप लोगों को। ठीक है दोस्तों चलो चलते हैं, एक बार आप लोगों को मनसा देवी का मंदिर दिखा देते हैं। ये देखिएगा ये रहा मनसा देवी का मंदिर, भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए ये रहा मनसा देवी का मंदिर, चलते हैं दोस्तों चलो। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ हाथी वाले पुल को पार करके, ये रहा हाथी वाला पुल, उसको पार करके आ चुका हूँ। और ये देखिएगा यहीं से आप सीधे दर्शन करेंगे, आप लोगों को दर्शन भी कराएंगे, आप लोग भी दर्शन करते जाइएगा। ये देख सकते हो और घाटों पे भीड़ देख रहे हो, आज हमें भीड़ भी देखने को मिल रही है और गंगा जी में बहाव भी काफ़ी तेज़ देखने को मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। अगर इन घाटों पर इतना ज़्यादा जल है तो बाकी उस तरफ के घाटों में और कितना ज़्यादा जल होगा वो दिखाएंगे। चलो चलते हैं इसे धीरे धीरे और सामने घाटों की ओर और वहाँ के दर्शन कराते हैं, वहाँ के दिव्य नज़ारे दिखाते हैं आप लोगों को। चलो चलते हैं। दोस्तों इस घाट पे गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है क्योंकि सामने रहा सूरज और सूरज की किरणें सीधे इसी घाट पे पड़ती है और उसकी वजह से गर्मी का महसूस कुछ ज़्यादा ही होने लगता है लोगों को, क्योंकि सूरज की किरण सीधे यहीं पे पड़ती है। ठीक है इसलिए ज़्यादा गर्मी लगती है लोगों को। लेकिन यहाँ पर पेड़ इतने ज़्यादा बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो छाँव के नीचे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु बैठे होते हैं क्योंकि यहाँ पर छाँव लगी होती है पूरी तरीके से ना। इस घाट पर पेड़ पौधे भी आप लोगों को काफ़ी देखते हुए मिलेंगे और इनके नीचे बैठ के आप लोगों को सुकून सा मिलेगा बिल्कुल। ये देखिएगा आप लोग देख ही रहोगा, ये रहा शिव घाट और यहाँ पे भी काफ़ी श्रद्धालु आप लोगों को जो पेड़ के नीचे बैठे हैं इस तरह से आप लोग देख सकते हो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और इस पेड़ के नीचे इतना ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, सुकून सा है। ये देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग भोलेनाथ वगैरह की मूर्ति बनी है और यहाँ पर लोगों को आप बैठते हुए देख सकते हो पूरे तरीके से आराम से लेटे हुए हैं बैठे हुए हैं, जो भी दूर दूर से पहुँचे देख सकते। ये देखिएगा यहाँ से आप लोग इस घाट पर भी आप लोगों को दुकानें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सीधे शिव घाट पर, आप लोग देख सकते हो आप इसे बोलोगे शिव घाट, आप लोग देख सकते हो। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा है शिव घाट पूरी तरीके से और बाकी हर की पौड़ी न्याय घाट मालवी घाट अस्थि प्रभाव घाट भी जो सामने कोई पड़ते हैं वहाँ के भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। और शिव घाट भी आने से पहले आप लोग शिव भोलेनाथ की मूर्ति के दर्शन यहाँ पर कर सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिए इसीलिए इसे शिव घाट के नाम से जाना जाता है, देख सकते हो यहाँ पर है शिव भोलेनाथ जी की मूर्ति। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सीधे जो सामने के जो घाट थे इस तरफ के उनको पार करके शिव वाले पुल पे और यहाँ से आप लोग दर्शन कर सकते हो सीधे माँ गंगा जी के। और बाकी के अब जो घाट बचे कुछ हैं वहाँ के आप लोगों को हम दर्शन कराने के लिए तैयार है और आप लोग भी तैयार रहिएगा बाकी घाटों के दर्शन करने के लिए। तो इसे ही बोलते हैं शिव पुल, आप लोग देख सकते हो मैं पहुंच चुका हूँ सीधे शिव पुल पे और अब आप लोगों को कराता हूँ एक बार यहाँ से सीधे माँ गंगा जी के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। ये देखिएगा सीधे माँ गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं और सामने दिखेगा तुम्हें प्यारा सा ब्रिज जिसे बोलते हैं धनुष पुल। सीधे बाकी हम इसी पुल को पार करके जो बाकी के सामने के घाट बचे कुछ हैं वहाँ के आप लोगों को दर्शन कराने के लिए चलेंगे यहीं से पार करके और बाकी अपने सामने से वाले घाट के दृश्य देख लिए होंगे। चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ से, अब कराते हैं आपको बाकी घाटों के दर्शन।
तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो सीधे शिव पुल को पार करके सबसे पहले आप लोग बड़ी वाली धारा की तरफ दर्शन कर सकते हो, इसे बोलते हैं बड़ी वाली धारा। आप लोग यहाँ पे भी माँ गंगा जी के दर्शन कर सकते हो और आज जल का बहाव यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों अब हम यहां से आप लोगों को एक बार नाए वाले घाट के दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। यहां से चलो देखते हैं आज कितनी भीड़ है नाए वाले घाट पे। आप लोग देख सकते हो ये देखिएगा जो हरिद्वार हर की पौड़ी की और मेन घाट है वहां के, उसके बाद आप लोगों को दर्शन कराएंगे। उससे पहले आप लोग नाए वाले घाट के दर्शन कर लीजिएगा, ये देखिए। और भीड़ देख सकते हो नाए वाले घाट पे, नाए वाला घाट हमें खाली खाली सा नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो सीधे हम पहुंच चुके हैं नाए वाले घाट पे, आप लोग देख सकते हो। और नाए वाले घाट पे हमें काफ़ी ज़्यादा जल देखने को मिल रहा है आज, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। दोस्तों बाकी के जो घाट बचे कुछ हैं चलते हैं वहाँ के और वहाँ के दर्शन कराते हैं आप लोगों को, दिव्य नज़ारे देखे आते हैं सामने वाले घाटों के। चलो जो सामने के जो मेन घाट बचे कुछ हैं यहाँ हरिद्वार के हर की पौड़ी के वहाँ के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से नाए वाले घाट पे आज हमें भीड़ काफ़ी कम नज़र आ रही है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से श्रद्धालु की भीड़ कितनी कम नज़र आ रही है। देखो और चल के देखते हैं हम सामने वाले घाटों पे वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितने ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे हैं वहाँ पे डुबकी लगाते हैं। अच्छा दोस्तों ये रहा शिव घाट, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे जो माँ गंगा जी में डुबकी लगाते हुए आप लोग वो देखेंगे, ये देखिए। ये रहा शिव घाट और यहाँ पे भी जल का बहाव काफ़ी तेज़ रहता है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। अगर स्नान करने के लिए आते हो तो कभी भी इस रेलिंग को पार करके स्नान नहीं करिएगा बिल्कुल। हम आप लोगों को ले चलेंगे सीधे हर के बॉडी के जो मेन घाट है जिसे बोलते हैं ब्रह्मकुंड घाट, जहाँ पर होती है माँ गंगा जी की आरती और वहाँ के आप लोगों को दिव्य नज़ारे दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं सीधे ब्रह्मकुंड घाट होते। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ सीधे ब्रह्मकुंड घाट पर और सामने जी पे होती है माँ गंगा जी की आरती, आप लोग देख सकते हैं। और ब्रह्मकुंड घाट पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु दिखेंगे स्नान करते हुए, आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों अब आप लोगों को दिखाते हैं सामने बाकी ये वाले घाटों के नज़ारे, मालवी घाट और महिला वाले घाट के भी आप लोगों को दिव्य नज़ारे दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। बाकी जो ब्रह्मकुंड घाट था आप लोगों ने वहाँ के दिव्य नज़ारे देख लिए होंगे, दर्शन कर लेंगे, लेकिन आज भीड़ हमें काफ़ी कम नज़र आ रही है सभी घाटों पर, आप लोग देख सकते हैं। जो सामने के घाट है वहाँ पर हमें थोड़े बहुत श्रद्धालु नज़र आते हैं जहाँ पर स्नान करते हुए आप लोगों को दिखेंगे, चलते हैं थोड़े सामने के घाटों पर और वहाँ के कुछ दर्शन कराते हैं, दिव्य नज़ारे दिखाते हैं बाकी सामने के। ये देखिएगा दोस्तों देख सकते हो बाकी सामने के यहाँ के घाटों के दर्शन और दिव्य नज़ारे देख सकते हो, ये देखिए। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रहता है तभी जाके श्रद्धालु यहाँ पे अच्छे से स्नान कर पाते हैं, ये देखिए। और जो सामने वाला घाट है उसे बोलते हैं महिला घाट और महिला घाट पे भी हमें काफ़ी श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं जो माँ गंगा जी में डुबकी लगाते हुए आप लोग देख रहे होंगे पूरी तरीके से। लोग देख सकते हो वहाँ की जो मेन घाट है वहाँ के दिव्य नज़ारे दिखाने के बाद मैं शिव वाले घाट की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ से आप लोग एक बार इस घाट के भी दर्शन कर सकते हो, ये देखिएगा काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर भी पहुँचे माँ गंगा जी में डुबकी लगाते हुए, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से दिखेंगे, ये देखिए, ये देख सकते हो। और यही नज़ारे आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से, फैन लगो देखो भाई पूरी तरीके से, ये देखो देख रहे हो, ये देखिएगा आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से स्नान करते हुए और यहाँ से सभी घाट के आप लोग दर्शन कर सकते हो पूरी तरीके से। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं सीधे संजय पुल पर, आप लोग यहां से भी दर्शन कर सकते हो। आरती का धीरे धीरे समय बढ़ते रहेगा और श्रद्धालु की भीड़ उसी तरह से बढ़ती रहेगी। और आज के ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, जय माँ गंगे नमामि गंगे, सभी घाटों के आप लोगों को दर्शन करा दिए होंगे, आप लोगों ने दर्शन कर लेंगे, जय माँ गंगे।